हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। बहुत सारा प्यार भरा वेलकम। आज की रेसिपी शादियों रेस्टोरेंट में बनने वाले काबुली चने के तीखी चटपटी बेहद स्पेशल छोले की है। इसे भटूरे, पूरी पराठा या फिर स्टीम एंड जीरा राइस के साथ सर्व किया जाता है। मैं ऐसे ऐसे ट्रिक्स और टिप्स बताने वाली हूँ जिससे पहली बार में ही आप एकदम परफेक्ट यमी छोले बना करके रेडी कर पाएंगे। तो चलिए झटपट से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। वैसे तो छोले को एक रात पहले भिगोया जाता है, परंतु मैंने 1.5 कप छोले को 4 से 5 घंटे पहले हल्के गर्म पानी में भिगो दिया था और अब देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल के सीधे दुगुना हो गया है। बहुत बढ़िया फूल चुका है। तो पानी को सेपरेट कर लेंगे और एक साइड में रख देंगे। और अब चलिए हम बनाते हैं एक पोटली। पोटली के जगह पे मैं कुछ और यूज करने वाली हूँ और उसमें डालने वाली हूँ 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 लौंग, 2 हरी इलायची थोड़ा कूट करके लिया है और 1 बड़ी इलायची इसे भी कूट करके लिया है और 10 से 12 मैंने लिए हैं काली मिर्च को। अब इन सब चीजों को मैं चाय के साथ, ये चाय पत्ती है तो ये मैंने 2 चम्मच के करीब लिया है। इन सारी चीजों को, ये रही एक इजी फिल्टर, इसमें हम जब सारी चीजें डाल देंगे और इसका ढक्कन बंद करके हम छोले में डालेंगे तो हमें निकालते टाइम पे बहुत सहूलियत रहेगी, आराम से निकाल लेंगे और ये बहुत अच्छी तरह से सारी चीजें इसके थ्रू कलर भी छोड़ती है छोले में, तो बहुत टेस्टी भी छोले बनेंगे। आपके पास इजी फिल्टर ना हो तो कोई बात नहीं, सारे मसाले और सारी चीजें आप पोटली में बांध करके भी छोले में डाल सकते हैं। और अब मैं ले लेती हूँ कुकर। कुकर में मैं छोले डाल देती हूँ जिसका मैंने पानी पहले से ही निकाल करके रख लिया है। और अब इसमें डालती हूँ हल्दी। तो हल्दी आप 1/2 चम्मच के करीब इसमें डाल दीजिए और साथ ही हम डाल देते हैं पानी। तो पानी मैं 1.5 गिलास के करीब डाल रही हूँ, बड़ी वाली गिलास होती है ना उससे 1.5 गिलास, कम से कम उतना कि पानी में चना डूबा रहे। अब मैंने इसमें 1/2 चम्मच के करीब नमक और 1/4 चम्मच के करीब बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा डाला है। अब सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद हम जो बना करके रखे थे ना इजी फिल्टर, वो इजी फिल्टर इसके अंदर डाल देते हैं। अच्छी तरह से सेट कर लीजिएगा बीच में, ऐसे किनारे भी रहेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इसे बीच में सेट कर लीजिए। और अब कुकर का ढक्कन बंद करके कम से कम 3-4 विसल आने तक इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। जब तक ये छोले पकता है तब तक चलिए कुछ मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने प्याज लिया है 1 बड़ा सा, 8 से 10 लहसुन की कलियां लिया है और अदरक का टुकड़ा 1.5 इंच के करीब लिया है। इन सारी चीजों को मैंने रफली चॉप कर लिया है। टमाटर को भी मैंने रफली चॉप किया है, 2 टमाटर लिया है और 10 से 12 हरी मिर्च लिया है। सारी चीजों को ग्राइंडर के जार में डाल करके एकदम बारीक सा पीस करके पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, ये पेस्ट अब बन भी चुका है, बहुत बढ़िया बना हुआ है। 2-3 चम्मच पानी भी मैंने इसमें ऐड किया है। अब कुछ सूखे मसाले देख लेते हैं जो इस रेसिपी को और भी ज्यादा यमी बना देगा। तो 1 चम्मच के करीब मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच के करीब लिया है धनिया पाउडर और साथ ही कस्तूरी मेथी लिया है 1/2 टेबल स्पून भून कर लिया और ये लिया है जीरा पाउडर, भुना जीरा पाउडर 1 चम्मच, काला नमक लिया है 1/2 टेबल स्पून, काली मिर्च का पाउडर लिया है 1/4 चम्मच, अमचूर पाउडर लिया है 1/2 टेबल स्पून के करीब और थोड़ा सा बस 1/4 चम्मच हल्दी लिया है। सारे मसाले ये हो गए हैं। अब चलिए हम तड़के की तैयारी करते हैं। तो तड़के के लिए मैंने पैन में ले लिया है 2 चम्मच के करीब सरसों का तेल, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। 1 पिंच हींग डाल दीजिए, 1/2 टेबल स्पून जीरा डाल दीजिए, साबुत जीरा। और ये दोनों जब अच्छी तरह से चटकने लगे तब आप जो मसाले पीस करके हमने रखा है ना, टमाटर, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च का, वो सारा मसाला हम इसमें डाल देते हैं और इस मसाले को लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक हम पकाएंगे, जिससे प्याज और लहसुन का जो कच्चा फ्लेवर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, एकदम बढ़िया मसाला बन करके रेडी होगा। 2 से 3 मिनट का टाइम हो चुका है, मसाला थोड़ा गाढ़ा भी हो चुका है। तो सारे सूखे मसाले मैंने इसमें डाल दिए, जो मैंने प्लेट में दिखाए थे ना वो सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिया है। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साथ ही 1/2 चम्मच के करीब मैंने गरम मसाला भी डाल दिया है जो मैंने वहाँ पे मिसिंग कर दिया था, दिखाना भूल गई थी। अब सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। सारे मसाले को भूनते हुए थोड़ी थोड़ी देर पे हम चलाते भी रहेंगे और बीच में कुकर की सीटी लग चुकी है और गैस भी रिलीज हो चुका है, तो चने को भी देख लेते हैं। तो मैंने ढक्कन खोल लिया है और इसके बीच में जो हमने इजी फिल्टर डाला था ना वो हम फटाफट निकाल करके अलग कर देंगे
सेपरेट कर देंगे। इस तरह से इसे रखने से बिल्कुल भी इसके अंदर के मसाले छोले के साथ मिक्स नहीं हुआ है, बिल्कुल सेपरेट है, लेकिन फ्लेवर ऐड हो चुका है अच्छी तरह से छोले में। चलिए अब छोलों को हम चेक कर लेते हैं। तो काफी गर्म है तो मैं थोड़ा ही लेती हूँ और एक दूसरे स्पून से इसे दबा करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितने आराम से मसला जा रहा है। एक दबाया और एक और दबा करके दिखाती हूँ। बहुत आराम से इजिली मसला जा रहा है, मतलब बहुत अच्छी तरह से छोला पक चुका है। तो इसे रखते हैं साइड में और फटाफट चेक करते हैं मसाले को। मसाले को मैंने 2 से 3 बार लगातार बीच में चलाते हुए भून रही थी, इसलिए मसाले जले नहीं है। और अगर आपको लगे ऐसा कुछ हो रहा है तो थोड़ा पानी डालकर भी मसाले को भून सकते हैं। मसाला अच्छा भून गया है, कलर भी चेंज हो चुका है। तो मैं सारे छोले पानी के साथ डाल देती हूँ। बहुत अच्छी तरह से सारे छोलों को मैं मिक्स कर लूंगी मसालों के साथ बहुत अच्छी तरह से। और अगर आपको लगे इस वक्त कि छोले में पानी कम है या ग्रेवी आपको और चाहिए, तो थोड़ा सा पानी उसी जार में जिसमें आपने मसाले पीसे थे ना, मैंने उसी जार में 1/4 कप के करीब पानी डाल करके अच्छी तरह से धो करके डाल दिया है। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। मैं पहले ही 2 बार नमक डाल चुकी हूँ, इसलिए अभी नमक नहीं डालूंगी। इसे ढक देते हैं क्योंकि अच्छा बॉयल आ रहा है, और 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने देते हैं। 10 मिनट का टाइम हो चुका है, अब मैंने लीड हटा दिया है और अब चेक करती हूँ कि कैसा बन करके छोला तैयार हुआ है। साथ ही इसमें मैंने नमक भी टेस्ट किया था तो नमक थोड़ा कम लगा, तो मैंने 1/4 चम्मच के करीब नमक भी इसमें डाल देती हूँ और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए छोला का कलर और टेक्सचर तो बहुत बढ़िया है। अगर आप और ग्रेवी थिक चाहते हैं तो कर सकते हैं, थोड़ा सा फ्लेम हाई कर लीजिए और फटाफट पानी सुखा लीजिए। मेरे लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी ज्यादा गाढ़ा होगा। ये देखिए पास से इसका लुक और टेक्सचर बहुत ही बढ़िया और बहुत बेहतरीन बन करके रेडी हुआ है। तो थोड़ा सा हरा धनिया से इसे गार्निश कर देते हैं। छोले तो बिल्कुल बन करके रेडी हो चुका है, तो फ्लेम को ऑफ करते हैं और फटाफट इसे सर्व करते हैं। ये लीजिए छोले बन करके रेडी है, बिना किसी स्पेशल मसाले के, घर के नॉर्मल मसाले से बने हुए स्पेशल छोले, जिसके आगे बड़े से बड़े रेसिपी भी फीके लगे। इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन भटूरे के साथ है, लेकिन आप पूरी पराठा या फिर स्टीम राइस के साथ भी खाइए, बहुत यम्मी लगता है। और इसका बहुत ही खूबसूरत सा कलर बिल्कुल याद दिला रहा है होटल वाले स्वादिष्ट छोले का। इसी के साथ ये वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। आप सबों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।